बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। क्वारंटीन सेंटर में आत्महत्या की गई है। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में 19 साल के युवक ने खुदकुशी की है। बता दें कि 48 घंटों से ज्यादा समय से पंखे से लटकता उसका शव मिला है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और दो दिनों तक किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी। क्वारंटीन सेंटर में तैनात स्टाफ की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठे हैं। तो कोरोना को लेकर क्वारंटीन सेंटर्स की मुस्तैदी पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां क्वारंटीन सेंटर में एक 19 साल की युवक ने खुदकुशी कर ली है। क्या वजह रही इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अजीत काम्बोज का, अपने सहयोगी का। अजीत, अभी क्या जानकारी मिल रही है वहां से, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल रितु, एक बड़ा मामला सामने आया है राजधानी देहरादून के पालावाला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में, जहां पर एक 19 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की है और जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि किन कारणों के चलते उसने आत्महत्या की है। और जो जानकार सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 48 घंटे पहले ये आत्महत्या की गई थी और 48 घंटों तक मृतक का शव पंखे से लटका रहा और किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में स्थित कर्मचारी की नजर नहीं पड़ी। ये खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं क्वारंटाइन सेंटर में होंगी कि 48 घंटे तक अगर कोई शव लटका रहता है पंखे पर और किसी को उसकी भनक तक नहीं लगती। तो बड़ा मामला है, फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। घटनास्थल के तमाम अजीत, ये युवक कहाँ से आया था और कितने दिन इसे क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए हो गए थे? क्या इस दौरान किसी शिकायत कोई किसी तरह की कोई शिकायत इस युवक के जरिए की गई थी या कोई मानसिक तनाव था, क्या वजह इसमें बतलाई जा सकती है? बिल्कुल रितु, अभी जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है केवल जो जानकारी दी गई है वो सुसाइड की दी गई है पुलिस की तरफ से। कुछ भी कहने से पुलिस बच रही है क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि कैसे सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने आत्महत्या की, किन कारणों के चलते की। और नव युवक था, 19 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। इसकी तमाम तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है और घटनास्थल के जो तमाम मुआयने हैं वो पुलिस विभाग कर रहा है, तमाम सबूत जुटा रहा है। कहना जो भी होगा वो पुलिस विभाग तैयारी कर रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने के बाद पुलिस इसमें कुछ भी बात कहेगी। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।